नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नई दिल्ली में पिछले 72 घंटों से एक बड़ा काम हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत से लोगों को उसकी कानों कान खबर नहीं है। मोदी सरकार 72 घंटे से एक नए मिशन में जुटी हुई है। नई दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग हो रही है जहां कोई कैमरा नहीं गया, कोई वीडियो नहीं बना, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। मोदी ने इस मिशन के लिए सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया। चीफ सेक्रेटरी किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अफसर होता है, जो चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पर राज्य की सरकार को चलाता है। मोदी ने चीफ सेक्रेटरीज को आखिर क्यों बुलाया, उन्हें क्या समझाया? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम केसीआर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, ये सभी विरोधी नेता क्या कहते हैं? यही कि मोदी फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मोदी अपने मन की करते हैं और मुख्यमंत्रियों की बात नहीं सुनते, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। पिछले 72 घंटों से प्रधानमंत्री का पूरा फोकस ही इस बात पर है कि केंद्र सरकार और 30 मुख्यमंत्रियों की टीम एक साथ काम करे। नरेंद्र मोदी ने एक नया टर्म कॉइन किया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की पार्टनरशिप। जो सच्चाई जानते हैं, जो सभी विरोधी दलों के नेता हैं लेकिन बताते नहीं हैं, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। असली नरेंद्र मोदी कौन है? एक नरेंद्र मोदी वो जो टीवी पर दिखते हैं, एक नरेंद्र मोदी वो जो लाल किले से भाषण देते हैं, एक नरेंद्र मोदी वो जो ग्लोबल समिट में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, एक नरेंद्र मोदी वो जो मंदिरों में भगवान के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना करते दिखते, एक नरेंद्र मोदी वो जो बॉर्डर पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं, एक नरेंद्र मोदी वो जो चुनावों में ताबड़तोड़ रैलियां करके अपनी पार्टी को विजयी बना देते हैं। कौन है असली नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और बताते हैं। भर्ती की बात करनी है तो अग्निवीर की बात करो। ये कहते हैं, पहले कहते हैं हम देशभक्त हैं, 4 साल बाद घर वापसी, तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और बताते हैं। ये झूठों के सरदार है, हर 2 करोड़ नौकरियां देने का, ये सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा। हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और बताते हैं। नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए, कुछ काम किए हैं, कहां भारत आगे बढ़ा है, कौन सा काम हुआ सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ और बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज की आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, के चंद्रशेखर राव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब के सब नरेंद्र मोदी के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। पूरा उनका फोटो देखे, खाली उनको कैंपेनिंग कर रहे, दिस इज नॉट डन। यू नो सेंट्रल में आपका जो काम है करो ना, डिफेंस का करो, आपका
प्राइम मिनिस्टर का काम है, आप फाइनेंस को करो आपका काम है, एक्सटर्नल अफेयर्स के करो आपका काम है, लेकिन हेल्थ, स्टेट, एजुकेशन, दिस फूड, ये सब तो स्टेट का काम है, उनका काम तो नहीं है, उन्होंने काम नहीं करते हैं कि, लेकिन दलाली ज्यादा करते हैं। मोदी की अपनी पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी के बारे में सबसे अलग बताती है। मोदी जी ने 8 साल के अंदर दुनिया भर में देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया भर में मोदी जी किसी भी देश में जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, एक कांग्रेस वालों को पेट में दर्द होता है। अरे कांग्रेस वालों, जरा अकल इस्तेमाल करो, भगवान ने दी है तो। ये मोदी मोदी के जो नारे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं लग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे 130 करोड़ भारतीयों के सम्मान में लग रहे हैं, दुनिया भर में सम्मान हो रहा है। मोदी के बारे में विरोधी कहते हैं कि मोदी मिलके काम नहीं करते, मोदी किसी से पूछकर फैसले नहीं लेते, मोदी अपनी मर्जी से चलते हैं। क्या सच में नरेंद्र मोदी मिलकर काम नहीं करते? क्या सच में मोदी किसी से पूछकर काम नहीं करते? क्या सच में नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी चलाते हैं? आज इसी की हकीकत बताते हैं, मोदी की वर्किंग स्टाइल के 10 एग्जाम्पल दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले मोदी की वर्किंग स्टाइल के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला के विचार जान लीजिए। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबका विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ यानी स्थायी टिकाऊ विकास, डीप फोकस मोदी का स्टाइल, डिजिटल इंडिया मोदी का विजन। मोदी जो करते हैं और विरोधी जो बताते हैं, उनमें इतना अंतर है कि पब्लिक के बीच विरोधियों की कलई खुल जाती है। हरियाणा के पानीपत में मंच कांग्रेस का था, भीड़ भारत जोड़ो यात्रा वाली थी, लेकिन खड़के ने मोदी पर सवाल पूछ लिया तो जवाब वही मिल गया। दिया नौकरी नहीं, आपको मिला होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़ आपको। मल्लिकार्जुन खड़के के सवाल पर जब पानीपत के लोगों ने नौकरी मिलने की बात कह दी तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया। खैर, खड़के को यही छोड़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में विरोधी कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। हम आपको मोदी की वर्किंग स्टाइल के 10 रियल एग्जाम्पल दिखाते हैं। नई दिल्ली में 72 घंटे तक चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग, देश के सबसे पिछड़े जिलों पर प्रधानमंत्री का फोकस, सीमावर्ती जिलों में सबसे तेज तर्रार अफसरों की पोस्टिंग का ऑर्डर, टैक्स पूल में राज्यों को केंद्र से भी बड़ा हिस्सा देने का डिसीजन, जीएसटी पर सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी में राज्यों को केंद्र के बराबर अधिकार, सरकारी योजनाओं के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रगति प्रोग्राम, राज्यों के डीजीपी और आईजीपी के साथ अलग से कॉन्फ्रेंस, राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का चिंतन शिविर, पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक, भारत में G20 समिट को सफल बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक। हमारे मत है सामाजिक न्याय, भारत जैसे देश में इतनी विविधता भरा समाज व्यवस्था, और अगर सामाजिक न्याय के सिद्धांत में हम थोड़ा सा भी ऊंचे नीचे करेंगे तो हमारे देश को बहुत नुकसान होगा। इसलिए समाज का छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को भी विकास में पूरा सहयोग मिलना चाहिए और विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए। जैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, वैसे ही राष्ट्र में भी कोई एक इलाका बहुत आगे बढ़ जाए और कोई इलाका पीछे रह जाए तो कभी भी देश का भला नहीं होगा। हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वसमावेशक विकास होना चाहिए, सर्वस्पर्शी विकास होना चाहिए, सर्वहित में विकास होना चाहिए। ये तस्वीरें याद है आपको, ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले महीने की ही बात है। मोदी के विरोधी भी जब मोदी से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, केजरीवाल हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगते हैं, ममता बनर्जी एकदम नॉर्मल हो जाती हैं, खड़के भी सीधे खड़े होते हैं,
अहम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी इन सब को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग करके मोदी ने यही किया। दिल्ली में 3 दिनों तक चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई। पीएम मोदी ने खुद इस बैठक को चेयर किया। पीएमओ के आला अधिकारियों के साथ पीएम लगातार इस बैठक में मौजूद रहे, न कि महज रस्म अदायगी के लिए आधा या एक घंटे दिया, वो भी बिना किसी शोर शराबे के, बिना टीवी कैमरे और मीडिया की चकाचौंध के। पीएम मोदी ने ऐसे अधिकारियों के साथ बैठक की जो एक तरह से राज्य की सरकारें चलाते हैं। चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे सारा काम वहां पे चीफ सेक्रेटरी ही करते हैं। केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य की योजनाएं, राज्य में एक तरह से पॉइंट पर्सन वही होते हैं। ऐसे अधिकारियों के साथ बैठक करके पीएम मोदी ने ये जाना कि कैसे और ज्यादा बेहतर और प्रभावी तरीके से शासन चलाया जा सकता है। बैठक में मौजूद सूत्रों का कहना था कि पीएम ने सुना बहुत ज्यादा, बोला कम। पीएम मोदी के विरोधी उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत उससे एकदम उलट है। चीफ सेक्रेटरीज के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग कोई पहला मौका नहीं। मोदी इसी तरह डीजीपी और आईजीपी के साथ भी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। एक एनुअल डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होते हैं, पुलिस के टॉप ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हर साल ये मीटिंग होते हैं, मगर दिल्ली में ही होते हैं। अब से ये दिल्ली से बाहर जाना चाहिए और कंसंट्रेटेड होना चाहिए। दिल्ली में सब आएंगे तो तितर बितर हो जाता है, और भी काम होते हैं, कहीं और ले जाएंगे तो कंसंट्रेशन होगा। सबसे पहले गुवाहाटी ले गए और गुवाहाटी में उन्होंने पहली बार सारा डीजी को मैसेज भेजा कि आप इस ड्रेस में आना है और मीटिंग लंबा चलेगी और पूरा सब्जेक्ट वाइज उसका अध्ययन होगा। तो पहले तो डीजी कॉन्फ्रेंस में लोग एक दिन आते हैं, प्रधानमंत्री आधा घंटे के लिए आके भाषण देके ख़त्म होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री 3 दिन साथ में रहे। दूसरी बार जो हुआ वो गजब की है। 5:30 बजे योग करना, फिर 7:30 बजे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट टेबल में भी ईच टेबल में, जैसे कि मैं गृह राज्य मंत्री हूँ, उसमें आईबी के एक सीनियर ऑफिसर और 6 राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसे करके जो टेबल है, खाने का टेबल है, वहाँ में भी किसी विषय का चर्चा, नोटिंग करना, उसके बाद सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में जाना और 3 दिन इतना इंटेंसिव मीटिंग। ये अधिकारियों ने, पुलिस ऑफिसर ने भी कभी नहीं सोचा कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री होते हैं जो 3 दिन साथ रहते हैं और एक एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। पीएम मोदी पे सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि वो किसी की सुनते नहीं, किसी से चर्चा और सलाह मशविरा नहीं करते, किसी की बात नहीं मानते। लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना महामारी के 2 वर्षों के दौरान ही पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 24 बैठकें की। लॉकडाउन के बाद नियम कैसे बने, किन किन सेवाओं में छूट दी जाए, कैसे लोगों को राहत दिया जाए, कैसे फ्री राशन दिया जाए, जब वैक्सीन आ गया तो कैसे वैक्सीन का प्रोग्राम बनाया जाए, इन सारे मसलों पर फैसला पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उसके बाद ही लिया। एक एक मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने हॉटलाइन बनाया और उन्हें कहा कि 24 घंटे में कभी किसी प्रकार की केंद्र सरकार से जरूरत है तो उन्हें फौरन सूचित करें। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्राइवेट चैट में इस बात को मानते हैं, लेकिन पब्लिकली वही कहते हैं जो उनकी पार्टी को सूट करे। मोदी जब किसी मीटिंग में जाते हैं, मोदी जब अफसरों को बुलाकर उनसे कामकाज के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ क्या क्या होता है? मोदी को कैमरे पर आपने हजारों बार देखा होगा, लेकिन ऑफिशियल वर्क करते समय मोदी के आसपास कैमरा नहीं होता। प्रधानमंत्री की बैठकों के बारे में वही बता सकता है जो उसमें शामिल हुआ। ऐसे ही अफसर हैं गुजरात के पूर्व डीजीपी शिवानंद झा। पीएम में देखिए, एक इंसिडेंट था केवड़िया में, व्हेन वी वर होस्टिंग द डीजीज कॉन्फ्रेंस, तो चॉपर से उतरे, डीआईवी साथ में थे, मैं था। पहली बार हम लोग डीजीज कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे थे, सेकेंड टाइम आई थिंक, फर्स्ट वाज आई थिंक इन कच्छ। पहला सवाल मेरे से पूछा कि मेहमानों ने सारी रीते तैयारी करी है कि नहीं। अल्लाह साहब मेरे से क्यों पूछते, डीआईवी है, उनसे मत पूछ लो। डीआईवी ने फिर बहुत अच्छे से बखान किया कि वी टुक वेरी गुड केयर, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी वेंट आउट ऑफ द वे टू सी दैट ऑल ऑफिसर्स एंड एवरीबॉडी हु केम वाज वेरी कंफर्टेबल। एंड आफ्टर दैट दिस वाज वन ऑफ दोज टाइम्स, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, दिल्ली में कुछ हमारे गुजरात के अफसर झगड़ रहे थे, उससे बहुत बैड ब्लड हो गया था।
पर केवड़िया में जब ये लोग आए और ये जो अच्छा ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद गुजरात पुलिस के लिए एवरीबॉडी स्पोक वेल आफ्टर दैट. सो दिस व्हाट आई वुड से पीआर जेस्चर और दैट एक्स्ट्रा एफर्ट दैट वी टुक इन केवड़िया दैट हेल्प्ड अस आउट. एंड बॉस का वो टकोर भी था तो वी हैड टू रियली यू नो गो एंड सी दैट द रिजल्ट्स वर डिलीवर्ड प्रॉपर्ली. मोदी जो करते हैं उससे सबको फायदा होता है, विरोधी भी लाभ उठाते हैं, लेकिन यही विरोधी जब मैदान में उतरते हैं तो मोदी के खिलाफ सियासी जहर उगलने लगते हैं. मैं ये कहूंगा मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं और एक खाई बढ़ा रहे हैं जो डिवाइड कर रहे हैं. इसी के लिए राहुल गांधी जी इस खाई को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए वो इतनी पादयात्रा कर रहे हैं. खड़गे ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए मुंह में राम बगल में छुरी वाला मुहावरा सुनाया तो आरजेडी के जगदानंद सिंह ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर नफरत वाला कमेंट कर दिया. नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है. यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे. अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए. अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये कोर्ट का ऑर्डर है. मंदिर का काम तेज गति से हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी की मेहनत है. प्रभु श्री राम के जिस मंदिर के लिए हिंदुओं ने 550 साल तक इंतजार किया, मोदी के विरोधी उस मंदिर का कैलेंडर देख रहे हैं. श्री राम का मंदिर 2024 में बनकर तैयार होगा. विरोधियों को लगता है कि उससे मोदी को फायदा होगा. अब कैलेंडर तो फिक्स हो चुका है, वो बदलेगा नहीं. मोदी की राम भक्ति बदलने वाली नहीं. मोदी के विरोधी उनको किस कलर में पेंट करके दिखाते हैं इसे भूल जाइए. मोदी के बारे में राम कथा सुनाने वाले मुरारी बापू को गौर से सुनिए. ज्यादा परिचय हुआ हरियाणा में राम कथा थी और साहेब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे. उस समय शायद पूरे 9 दिन साहेब कथा में रहे. कभी जब समय मिलता था तो मैं जहाँ ठहरा था वहाँ शाम को मिलके बीते. एक बात मुझे बहुत स्मरण है कि उस समय साहेब मुझे कह रहे थे कि बापू आपकी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी देखकर हरियाणा के लोग ऐसा कहते हैं मुझे देखकर कि मुरारी बापू का भाई है. और इस बात का वो कह रहे थे कि मुझे आनंद. उसके बाद जब वो सक्रिय राजनीति में आए और हमारे गुजरात राज्य के मुख्य प्रधान बने, उसके बाद कई बार मिला हूँ. गुजरात समाचार परिवार की ओर से साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम में राम कथा और साहेब को निमंत्रित किया. साहेब आए और उसने अपनी प्रसन्नता शुभकामना व्यक्त की. मैं बोल रहा था कथा के प्रवाह में तो कोई ऐसी बात आई तो मैंने कहा मैं तो बावा हूँ. तो साहेब वहाँ बैठे बैठे बोले मैं भी बावा हूँ. तो एक तो भाई का नाता रहा जो हरियाणा में उसने कहा, दूसरा बाबा का नाता रहा. मुरारी बापू कभी भी प्रधानमंत्री को कॉल करें तो 5 मिनट के अंदर कॉल बैक आ जाता है. ऐसा सिर्फ मुरारी बापू के साथ नहीं होता. किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री से बात करना चाहे तो उनको इंतजार नहीं कराया जाता. मोदी सियासत जमकर करते, चुनाव पूरी ताकत से लड़ते, लेकिन मदद करने में कभी कंजूसी नहीं बरतते. नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा इल्जाम तो राहुल गांधी ने लगाया. राहुल गांधी पिछले 8 सालों से कह रहे हैं कि यह अडानी अंबानी की सरकार है. राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि देश तो अडानी चलाते हैं. तो क्या सचमुच अडानी की कामयाबी के पीछे नरेंद्र मोदी हैं? अडानी ने सिर्फ 1 साल में 9 लाख करोड़ रुपए कैसे कमा लिए? आज
अडानी राहुल गांधी पर खुलकर बोलेंगे। रात 10 बजे आपकी अदालत में गौतम अडानी पहली बार राहुल गांधी के हर इल्जाम और हमले का जवाब देंगे। राहुल गांधी पर अडानी का पूरा जवाब आप रात 10 बजे देख सकते हैं, लेकिन उसकी एक झलक आपको अभी दिखा देते हैं। एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया, नाम तो सुना होगा, राहुल। राहुल जी, आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अडानी कौन है वो जानने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। और अब रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। बिजनेस क्लास में थर्ड क्लास हरकत करने वाले, साल भर में करोड़ों कमाने वाले, लाखों की टिकट पर सफर करने वाले शंकर मिश्रा ने ऐसी हरकत की जिसकी खबर आप तक पहुंची गई होगी। आरोप है कि उसने फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया और फिर जाकर छुप गया। पुलिस उस शख्स को ढूंढकर पकड़ लाई, गिरफ्तार किया और थोड़ी देर पहले ही तिहाड़ जेल भी भेज दिया गया। सिर्फ शंकर मिश्रा ही नहीं, गुनहगार फ्लाइट के क्रू मेंबर भी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना पर बेहद असंवेदनशीलता दिखाई और अब सब पर एक्शन होगा। 13 लाख करोड़ की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, बड़ा ओहदा, 96 लाख की मोटी सैलरी, महंगी महंगी गाड़ियां मुंबई बेंगलुरु में, करोड़ों का फ्लैट, जनाब हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, 24 घंटे पहले तक शंकर मिश्रा की इतनी बड़ी और इतनी हैवी प्रोफाइल थी, लेकिन बिजनेस क्लास में इसने ऐसी लोअर क्लास की हरकत की कि मिश्रा जी का सब कुछ लुट गया। नौकरी से डिसमिस कर दिए गए, सारी इमेज का कचरा हो गया। अब हालत ये हो गई है कि अब तो ना बोला जा रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, मुंह छिपाए छिपाए फिर रहे हैं। पुलिस दौड़ाए पड़ी है और सवालों की लंबी लाइन लगी है। मिश्रा जी बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? कोई भी आपको पक्षपात है, जो जो घटना आपने की है उसके बारे में कोई भी पक्षपात है आपको? आई यू पॉलिटिक्स क्या किया था, क्या हुआ था, किसने क्या किया था? शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, क्यों किया शंकर, 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 शंकर। आरोपी शंकर को फिलहाल आईजीआई पुलिस स्टेशन से लेकर जाया जा रहा है। पुलिस ने उसे बेंगलोर से गिरफ्तार किया था। हमने कई सवाल करने की कोशिश की कि शंकर ने आखिरकार इस तरह की हरकत क्यों की, लेकिन शंकर जो है वो बातचीत करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हमने उससे पूछा कि उसने इस तरह की हरकत क्यों की, कोई भी वो जवाब नहीं दे रहा है। उसने मास्क पहना हुआ है, अपना मुंह छिपा रहा है और किसी भी सवाल का जवाब जो है नहीं दे रहा है। क्या किया है शंकर मिश्रा ने, सुनेंगे तो माथा ठनक जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस क्लास में सफर करने वाला, इतनी गिरी, इतनी ओछी हरकत कैसे कर सकता है? तो सुनिए, 34 साल के शंकर मिश्रा ने शराब के नशे में बिजनेस क्लास के भीतर 72 साल की एक बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया। मामला 2 महीने पहले 26 नवंबर 2022 का है, जब न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-102 में आरोपी शंकर मिश्रा नशे में धुत होकर सफर कर रहा था। आरोप है कि उसने बिजनेस क्लास में बैठी 72 वर्षीय महिला को पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया।
लेकिन सवाल यह है कि 26 नवंबर को हुई इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट होने में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि असल में शंकर मिश्रा ने बुजुर्ग महिला से विनती की थी, ये कहा था कि वो इस मामले की पुलिस में शिकायत ना करें क्योंकि उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, इससे उन पर गलत असर पड़ेगा। इस मामले की शिकायत पुलिस में 4 जनवरी 2023 को हुई, पुलिस ने FIR दर्ज की और वो इस वजह से हुई क्योंकि सवाल सिर्फ शंकर मिश्रा की ओछी हरकत का नहीं था, सवाल उन क्रू मेंबर्स पर भी था जिन्होंने तुरंत एक्शन लेने की बजाय इस मामले में दोनों पार्टियों का सेटलमेंट कराने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने फ्लाइट में इस घटना को अपनी आंखों से देखा, उनकी नजर में गुनहगार सिर्फ शंकर मिश्रा नहीं है, इस गुनाह में बराबर के भागीदार वहां पर मौजूद एयरलाइंस के क्रू मेंबर भी हैं। अगर शंकर मिश्रा ने सारी हदें पार कर दी तो क्रू मेंबर ने असंवेदनशीलता की हदों को पार कर दिया। उसी फ्लाइट में यात्रा कर रहे पैसेंजर डॉक्टर सौगत भट्टाचार्य ने लेटर लिखकर इस पूरी घटना की कंप्लेन की है। उन्होंने अपनी कंप्लेन में लिखा है, मैं बिजनेस क्लास में सफर कर रहा था, आरोपी और पीड़िता भी बिजनेस क्लास में ही सफर कर रही थी। सफर के दौरान लंच सेशन में आरोपी शंकर मिश्रा ने विस्की की 4 ड्रिंक्स पी ली। मेरी शंकर मिश्रा से बतौर यात्री बात हो रही थी, वो पूरे नशे में था। उन्होंने कई बार मुझसे एक ही बात पूछी, आपके कितने बच्चे हैं? ये देख मैं समझ चुका था कि वो नशे में टल्ली है। लंच खत्म होने के बाद मैंने फ्लाइट क्रू को बताया कि शंकर मिश्रा ने हद से ज्यादा शराब पी है और आप इस पर ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, मैंने देखा कि शंकर मिश्रा अपनी सीट पर पड़ा हुआ है। जब मैं रेस्ट रूम की तरफ गया तो वहां पीड़िता गैलरी की तरफ से आ रही थी। उनके शरीर पर पानी जैसा लगा हुआ था, वो काफी डरी हुई थी। उन्होंने बताया कि एक यात्री ने उनके ऊपर पेशाब कर दी है। सौगत भट्टाचार्य ने अपनी शिकायत में एयर इंडिया पर यह आरोप लगाया है कि मिश्रा ने जो फ्लाइट में किया वो क्राइम था। क्रू मेंबर्स ने इसकी शिकायत करने की बजाय मिश्रा और पीड़ित महिला को आमने सामने बिठाकर समझौता कराने की कोशिश की, जो गलत था। ये मामला ऊपर के अधिकारियों तक तब पहुंचा जब पीड़ित महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को इसकी लिखित शिकायत की और क्रू मेंबर्स के बिहेवियर के बारे में उन्हें बताया। जरा सोचिए और उस महिला की तकलीफ को समझिए। एक अकेली 72 साल की बुजुर्ग महिला अमेरिका से इंडिया 35 से 36 घंटे का सफर हवाई जहाज में अकेले करती है और उस पर कोई शराब के नशे में टुल शंकर मिश्रा जैसा इंसान आकर पेशाब कर दे तो वो क्या करेगी? उस अकेली बुजुर्ग महिला के लिए उस वक्त सब कुछ जहाज के क्रू मेंबर और स्टाफ ही थे, लेकिन उन्होंने भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई जैसा कि क्रू मेंबर्स को दिखाई जानी चाहिए थी। अपनी शिकायती चिट्ठी में सौगत भट्टाचार्य ने क्रू मेंबर्स की भी कंप्लेन की है। 2.5 घंटे तक नशे की हालत में पड़ा रहा शंकर मिश्रा, वो करीब 2.5 घंटे बाद होश में आया। तब तक फ्लाइट के स्टाफ ने महिला को 3 घंटे तक सीट नहीं दी, जबकि बिजनेस क्लास में 4 सीटें खाली थी। इस बात की मैंने शिकायत भी दर्ज कराई। पहले महिला को क्रू ने गैलरी में अपनी सीट पर बिठाया और फिर जिस सीट पर मिश्रा ने पेशाब की थी वहां कंबल डालकर महिला को बिठाया गया। जब मैंने पूछा कि आखिर महिला को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर जवाब था कि पायलट इन कमांड की इजाजत के बिना उनको फर्स्ट क्लास में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब जब ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया, तब एयर इंडिया भी एक्शन में आई और पुलिस भी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा की 3 दिन की हिरासत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर एयर इंडिया ने 4 केबिन क्रू और 1 पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा 5 क्रू मेंबर्स का नाम रोस्टर से भी हटा दिया गया है। एयर इंडिया ने इस बात की इंटरनल जांच भी शुरू कर दी है कि क्या विमान में शराब की सर्विस, घटना से निपटने, शिकायत पंजीकरण और शिकायत से निपटने समेत अन्य पहलुओं पर कर्मचारियों ने लापरवाही बरती थी। मिश्रा जी ने इतना बड़ा कांड किया, पीड़िता ने शिकायत कर दी, गवाह भी सामने आ गए, लेकिन पिताजी को शंकर मिश्रा में कुछ गलत नहीं नजर आया। सुनिए इतनी बड़ी घटना पर कैसे मासूमियत से शंकर मिश्रा के पिता डिफेंड कर रहे हैं। सर ये टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रैले से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब करीब
30-35 घंटे सोया नहीं था, ऑलमोस्ट समझ लो कि एक दिन दो दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा और रात को खाना खा के इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं, तो पिया होगा और वहां से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा, मुझे जो बताएगा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहां पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ की जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की, ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। हैरानी इस बात की है कि 72 साल की पीड़िता में माँ तो नजर आ रही है, लेकिन जिसे बार बार आप बच्चा कह रहे हैं वो कोई दुधमुहा बच्चा नहीं है, जिसे पेशाब कहाँ करना है पता नहीं। 34 साल का बेटा है आपका, इतनी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, अच्छे भले का पूरा ज्ञान था। अब उसको बचाइए मत, गलत को गलत कहिए। हद तो तब हो गई जब शंकर मिश्रा के पिताजी ने पीड़िता पर ब्लैकमेल का आरोप लगा दिया। देखिए, कुछ पेमेंट उससे डिमांड किया था और दिया गया था, उसके बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं है, कुछ तो हुआ रहेगा डिमांड जो कि शायद उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो नाराज हो गई और ऐसा काम किया। शायद क्वाइट पॉसिबल ब्लैकमेलिंग होगा या इमेज खराब करने की बात हुई या कुछ उसका ईगो हर्ट हुआ रहेगा, मस्ट बी समथिंग। उसका नेचर कैसा, उनके पिता हो आपके बच्चे का नेचर कैसा है, उस हिसाब से जिस हिसाब से उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, आरोप लगाए गए हैं? सर बहुत ही कॉर्डियल है, बच्चा है, इस तरह की हरकत कभी लाइफ में आई नहीं है। वो छोटी उम्र के, उसके उम्र की लड़कियों के साथ भी ऐसा कभी हमें सुनाई नहीं दे रहा, तो 72 साल की लेडी का कैसे हो सकता है? एक बच्चे को उसके माँ बाप जितना जानता है उसकी और कोई नहीं जानता है, शायद इवन कोई भी होने दो, बीवी भी नहीं जानती होगी जितने माँ और बाप जानते हैं। फिलहाल अब मामला पुलिस के पास है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। एयर इंडिया स्टाफ ने आप लोगों को क्या जानकारी दी जिसके बाद आप लोगों ने जांच शुरू की? देखिए, जो इनकी ओरिजिनल कंप्लेंट थी कंप्लेनेंट की, वो जब एयर इंडिया ने हमें फॉरवर्ड की तो उसके बेसिस पे तफ्तीश ये शुरू की गई। मोटा मोटी जो मामला है वो कॉरोबरेट ही किया है विक्टिम ने कि हुआ है, ओरिजिनल कंप्लेंट पे हम लोगों ने इस चीज़ पे शुरू किया। और जब इनको बुलाया गया तो इन्होंने अपना ज्वाइन नहीं की इन्वेस्टिगेशन और इवेड करना शुरू किया इन्वेस्टिगेशन को, तो इसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया। क्या क्या सेक्शंस आपने लगाए हैं इस पूरे केस में? सेक्शन इसमें जो है 294, 354 और 509, 510 IPC लगे हैं और 23 एयरक्राफ्ट रूल लगा हुआ। जो इनकी लॉयर्स हैं कंप्लेनेंट की, जो आरोपी है उसके जो लॉयर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इनके आपस में कुछ सेटलमेंट भी क्या इनका हुआ था, कुछ व्हाट्सएप चैट आए थे, कुछ बातचीत हुई थी कि समझौता करना है इस पूरे मामले के अंदर? जी, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जब से ये घटना सामने आई है उसके बाद से ही शंकर मिश्रा फरार चल रहा था। उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें मुंबई बेंगलोर पहुंची। शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन शंकर मिश्रा बेंगलुरु से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि शंकर मिश्रा के पास दो मोबाइल फोन थे, इनमें से एक की लास्ट लोकेशन मुंबई मिली थी और दूसरा फोन जो ज्यादा एक्टिव था उसकी लास्ट लोकेशन बेंगलुरु में मिली। 3 जनवरी को शंकर मिश्रा ने बेंगलुरु में अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था। शंकर मिश्रा बेंगलुरु में ट्रेवल करने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन देर रात बेंगलुरु के संजय नगर इलाके में शंकर मिश्रा का पता चला और पुलिस ने राम की उत्सव अपार्टमेंट से उसे हिरासत में ले लिया। मैं फिलहाल बेंगलुरु के संजय नगर इलाके में हूं। ये इलाका बहुत ही पॉश है और मेरे पीछे जो आप ये अपार्टमेंट देख रहे हैं, राम की उत्सव अपार्टमेंट, ये वही अपार्टमेंट है जहां से शंकर मिश्रा को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर आई थी और बेंगलुरु पुलिस ने जो CCB है, नोडल एजेंसी है, उसने दिल्ली पुलिस की इस पूरी गिरफ्तारी में मदद की। और अब करीब 1.5 घंटे का वक्त बचा है, सभी को इंतजार है रात के 10 बजने का, जब इंडिया टीवी पर शुरू होगा आपकी अदालत। आज जनता के वकील रजत शर्मा के सवालों का सामना करेंगे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी। पहले अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर खानदान था, अब अडानी सबसे आगे है। अंबानी परिवार को कारोबार में पीछे छोड़ दिया है। सवाल यह है कि क्या दोनों ग्रुप्स की बिजनेस राइवलरी का असर आपसी रिश्तों पर भी पड़ा है?
अंबानी और अडानी के रिश्ते कैसे हैं? आपकी अदालत में जनता के वकील रजत शर्मा ने मुकेश अंबानी को लेकर भी गौतम अडानी से सवाल किए। मुकेश अंबानी पर अडानी ने क्या कहा, इसके बारे में डिटेल जवाब तो आप आज रात 10 बजे सुन सकेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी एक छोटी सी झलक। आपकी अरेंज मैरिज हुई थी और शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ बोले ही नहीं, खामोश रहे। वो पढ़ी लिखी हुई महिला थी और मैं अनपढ़ था, तो नेचुरली थोड़ा मिसमैच तो था ही। अंबानी अडानी एक साथ आता है तो आपको खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी पड़ा नहीं हूँ। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।